Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you are watching Physics Corner. This is the third part of how to find the e power a. इसके पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने e power a फाइंड आउट किया था, लेकिन उसमें मैट्रिक्स की ऑर्डर 2x2 थी, तो इसमें मैट्रिक्स की ऑर्डर 3x3 है. तो इसके लिए e power a क्या रहेगा, देखिए अल्फा नॉट इनटू i प्लस अल्फा 1 इनटू a प्लस अल्फा 2 इनटू a का स्क्वायर. तो देखिए यहां तक सेम था, ये 2x2 के लिए भी इतना ही था, लेकिन 3x3 के लिए ये कांस्टेंट और मैट्रिक्स का स्क्वायर बढ़ गया. तो बस दिस इज द फार्मूला. ओके, तो 4x4 के लिए और एक कांस्टेंट और a पावर क्यूब होगा, तो ये ऐसे टर्म एक्सटेंड होंगे. तो देखिए इस इक्वेशन 1 में हमको अल्फा नॉट, अल्फा 1 और अल्फा 2 इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. तो देखिए जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें सभी एलिमेंट्स आइडेंटिटी है, और 3x3 मैट्रिक्स है तो इसलिए इसमें जो भी आइगन वैल्यूज रहेंगे, पहले दो आइगन वैल्यू 0 रहेंगे और थर्ड वन इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ दैट. आइगन में अब यूजिंग कैली हैमिल्टनियन थ्योरम इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज a इज रिप्लेस बाय क्या करना है, लैम्डा, e पावर लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा नॉट इनटू i प्लस अल्फा 1 इनटू लैम्डा प्लस अल्फा 2 इनटू लैम्डा का स्क्वायर. ये होगा इक्वेशन 2. अब ये लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 में पुट अप कीजिए, e पावर 0, ये तो अल्फा नॉट इनटू i एज इट इज, यहां पे 0 पुट अप किया, यहां पे 0 पुट अप किया, वो गया 3. देयरफॉर अल्फा नॉट इक्वल्स टू e पावर नॉट इज नथिंग बट 1. तो देखिए वैल्यू निकल के आई. अब ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट कीजिए with respect to lambda, क्योंकि देखिए अब जो second eigenvalues है उसको put up करने के बाद अपने को alpha not ही मिलने वाला है, तो इसको एक बार differentiate करने के बाद देखिए equation कैसा change हो जाएगा, e power lambda as it is, alpha not into i constant, ये eliminate हो गया, यहाँ पे alpha 1 constant, lambda का derivative with respect to lambda 1 plus यहाँ पे देखिए alpha 2 constant और lambda square का derivative 2 times the lambda. तो देखिए इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन 3 मिल गया. अब देखिए यहां पे लैम्डा इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो e पावर 0 बन गया अल्फा 1, यहां पे 0 पुट अप करने के बाद ये हो गया एलिमिनेट, देयरफॉर अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 निकल गया. आइदर में क्योंकि यहां पे वैल्यूज डालने से कुछ हो नहीं पा रहा था तो इसलिए अपन ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया. देखिए अब आपके पास अल्फा 1 अल्फा नॉट भी आ गया, अल्फा 1 भी आ गया, तो इक्वेशन 2 में अल्फा नॉट और अल्फा 1 डालने से आपको अल्फा 2 मिल जाएगा. इफ देखिए अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब अल्फा सॉरी लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए और अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 और अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2. ओके, तो देखिए e पावर लैम्डा की जगह 3, अल्फा नॉट की जगह 1, अल्फा 1 की जगह 1, लैम्डा की जगह 3, अल्फा 2 लैम्डा की जगह 3, ठीक का स्क्वायर. अब देखिए e क्यूब माइनस i, ये माइनस i माइनस का कुछ भी लिख सकते, माइनस 3 पुरुष टू अल्फा 2, ये हो गया 9 है ना मैं. अब देखिए therefore 1/9 equals to e power 3 minus i minus 3 equals to alpha 2. देखिए आपके पास सभी कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई, बस ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए, e पावर इक्वल्स टू i प्लस अल्फा 1 की वैल्यू 1 इनटू a प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 1/9 e क्यूब माइनस i माइनस 3 इनटू a का स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई ध्यान में तो बस यहां पे ध्यान रखिए, एक आइगन वैल्यू पुट अप करने के बाद ये मिला, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरे आइगन वैल्यू को आपको पुट अप करना है, फिर सेकंड जो भी कांस्टेंट था वो मिला, फिर तीसरी आइगन वैल्यू और जो भी आपके पास दो कांस्टेंट थे वो डायरेक्टली इक्वेशन 2 में पुट अप करना है और अल्फा 2 फाइंड आउट करना है. फिर बाद में सभी जो कांस्टेंट अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 फाइंड आउट किए थे वो सभी कांस्टेंट इक्वेशन 1 में पुट अप करना, फाइनल आंसर करना. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video.